सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ICT में ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में हमने सिलेबस में जिक्र भी किया है, और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने सिलेबस में जिक्र नहीं किया लेकिन फिर भी वो पेपर के अंदर आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये जून 2012 का एग्ज़ाम है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ये इन्होंने पूछा है ASCII, इसकी फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई है। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और यही क्वेश्चन हमारा नवम्बर 2017 के अंदर भी क्वेश्चन आया था, तो आगे भी इसके आने की संभावना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में हमने पहले जिक्र नहीं किया। अब ये देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके बारे में बाद में भी आया है, ये जून 2013 में आया था, क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं। एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है जिसमें निम्नलिखित में से उपविभाजित होती है, यानी कि एक जो हार्ड डिस्क है वो पहले ट्रैक के अंदर विभाजित होती है और उसके बाद में वो किसके अंदर डिवाइड होती है ये हमें बताना है। तो ये होती है दोस्तों सेक्टर के अंदर, यानी कि सबसे पहले हार्ड डिस्क होती है वो ट्रैक के अंदर विभाजित होती है और उसके बाद में फिर वो सेक्टर में डिवाइड होती है, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें से बाद में भी क्वेश्चन आया है, ये आप देख लेना एक बार। और उसके बाद में जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कंपाइलर, इसके बारे में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, घुमा फिरा के दिए हैं एग्जामिनर ने। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो निम्नलिखित परिवर्तित करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। और एक बार इसमें से क्वेश्चन ये आया था कि उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों कंपाइलर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारे पास ऐसे कौन से है, ये देखिए दोस्तों ये है हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आया था और ये एक बार फिर भी दोबारा रिपीट हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि उत्तर औद्योगिकी समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है, यानी कि इसका मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 20 का हम इंग्लिश में देख लेते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इंग्लिश में है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज डिज़ाइंड एज इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसका आंसर है दोस्तों। और यहाँ पर इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब है उत्तर औद्योगिकी समाज को क्या कहा जाता है, सूचना समाज कहा जाता है। और यही क्वेश्चन दोबारा फिर आया है, वो मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना। और दोस्तों अगर मैं इनके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बनाने लगूँ तो हमारा जो ICT टॉपिक है वो 1 महीने में जाके कंप्लीट होगा, तो इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, बस आप थोड़ा इनको ध्यान में रख लेना, ये इसका आंसर ये आएगा। और देखिए मैं इसका दिखा देता हूँ कि यही क्वेश्चन हमारा बाद में कैसे रिपीट हुआ है, ये देखिए दोस्तों ये सितंबर 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, यही दोबारा रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुअल कास्टन ने किया था, तो इसका है दोस्तों नेटवर्क सोसाइटी है, और हमने पीछे भी किया था वो था नेटवर्क सोसाइटी था। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए देखिए ये क्वेश्चन, यानी कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, तो जो एग्जामिनर है उसने थोड़ा सा घुमा फिरा के ये दे दिया, यहाँ पे इन्होंने इसका जो ऑथर है उसका नाम दे दिया, तो इस तरीके से ये घुमा फिरा के दे सकते, तो थोड़ा हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए।
और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे भी कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आया जून 2014 के अंदर, ये क्वेश्चन है हमारा। जब BIOS यानी कि जो जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है BIOS, दोबारा लोड किया जा रहा होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा आया है शायद 2018 में भी, दोबारा रिपीट हुआ यही क्वेश्चन। तो इसके अंदर जब हमारा BIOS कंप्यूटर के अंदर लोड किया जा रहा है, इसका मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को चला रहे होते स्टार्टिंग के अंदर, तो उसके अंदर क्या लोड किया जाता है, तो वो इसका आंसर आएगा दोस्तों, रोम आएगा, रीड ओनली मेमोरी। और BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है दोस्तों इसका मतलब। तो इसका आंसर जो है वो रोम आएगा, और यही क्वेश्चन हमारा शायद 2018 में या 17 में आया, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसलिए ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे भी कई क्वेश्चन हैं इसमें। जैसे एक ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो नंबर बताए थे वो आपको पता होना चाहिए। ए से एफ तक जो होता है उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर से जानते हैं। और जैसे ये हमारी फुल फॉर्म है, ये भी आप देख लेना दोस्तों। ये सभी की सभी मैंने आप सभी को करवाई हुई है बहुत अच्छे से। और देखते हैं इसके अंदर और हमारे क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जून 2015 के अंदर आया था। इसमें इन्होंने कहा है कि कौन 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। तो 1 अरब, 1 अरब को, अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में 1 अरब को क्या कहते हैं। और इंग्लिश में मतलब कि जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर के अंदर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन करेक्टर, ये हमें बताना है। तो 1 बिलियन जो होता है दोस्तों वो हमारा गीगाबाइट यानी कि 1 GB का इक्वल टू होता है। और यही क्वेश्चन हमारा 2017 के अंदर भी आया है, और ये हमारा 2015 के अंदर भी आया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, यही क्वेश्चन आपको रियलिटी में दिखाऊंगा कि कैसे रिपीट हुआ है आगे। इससे पहले हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये एक जैसे कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उनमें से मैंने काफ़ी चीज़ें करवाई है, तो ये 1 बाइट के अंदर इन्होंने पूछा कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। और इसमें देखते हैं एक और चीज़ है दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्ति को भेजने में समर्थ बनाता है। तो मेल मर्ज होता है दोस्तों इसका मतलब, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जब हम एक पत्र को, जैसे कि हमारा शादी कार्ड है, उसके अंदर अंदरज का जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, लेकिन बाहर एनवलोप पे हम सभी का नाम अलग अलग लिखते हैं। तो एक ही पत्र को जब बहुत से लोगों के पास भेजा जाता है MS वर्ड के जरिए, तो उसे हम कहते हैं मेल मर्ज कहते हैं। और यही क्वेश्चन हमारा दोस्तों 2017 में भी आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना, इसमें आपको सभी चीज़ें पता चलने वाली है। और देखते दोस्तों, ये तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में करवाया था कि जो हमारी डेफिनेशन है कंप्यूटर की, काफ़ी बार पूछी जाती है। 2016 से लेकर और जून 2019 तक 4 बार ये क्वेश्चन आया है। तो ये आप देख लेना, हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे से मैंने आपको बताया है। और देखिए और है, ये देखिए दोस्तों, वो बताया ना मैंने BIOS। अब ये देखिए, जुलाई 2016 में यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। और मैंने आपको पीछे बताया था कि BIOS के बारे में बताया था ना, वही चीज़ अब दोबारा रिपीट हो गई। देखिए, मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को निर्धारण करता है। स्टार्टअप रूटीन यानी कि BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रेडी होने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो वो है दोस्तों हमारा रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, रीड ओनली मेमोरी यानी कि ROM। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन किस तरह से 2 बार रिपीट हुआ। और एक चीज़ और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा कौन सा है, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा
कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 46। इन्होंने ASCII के बारे में दोबारा पूछ लिया, इसकी फुल फॉर्म इन्होंने दोबारा पूछ ली। और यही क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो पहले कब आया था, आपको याद है? ये आया था हमारा 2012 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, मैंने आपको दिखाया था। चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारा पेज नंबर, मैं देख लेता हूँ पहले, पेज नंबर 20 है। तो और पहले जो ये क्वेश्चन आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए ASCII के बारे में इन्होंने पूछ लिया। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम कभी ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी बातों पे, ध्यान नहीं देते और यहीं पे हम मार खा जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब रिजल्ट आता तो हमें पता चलता है कि हम 4 नंबर से रह गए, हम 5 नंबर से रह गए, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको पहले ही ये पता चल जाए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से अपना नेट और GRF कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हमने जून 2012 से लेकर 2019 तक ओल्ड पेपर PDF बना रखी है। 12 से लेकर 19 तक हमने ओल्ड पेपर PDF बना रखी है, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं। जैसे ये हमारी ICT की है, इसके अलावा रिसर्च की अलग है, कम्युनिकेशन की अलग है, और DI की अलग है। सभी टॉपिक की हमने 2012 से लेकर 2019 तक PDF बना रखी है। तो वो PDF आप लेके दोस्तों बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और वो जो PDF है ये आप सैम्पल देख सकते हैं, यही वो सैम्पल है उसका। और इसमें दोस्तों हमने इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आंसर दे रखे हैं। आगे तो चलिए दोस्तों आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो हमने नहीं की है सिलेबस के अंदर, क्योंकि दोस्तों काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम। अब ये देखिए दोस्तों जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है हमारा, और इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर देखिए 41, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर इन्होंने वही बात पूछ ली जो मेल मर्ज के अंदर जो होता है, भाई एक साथ प्रकाशन किया जाता है काफ़ी लोगों को, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों मेल मर्ज है। तो आपने दोबारा फिर देखा कि मेल मर्ज जो क्वेश्चन है दोबारा फिर पूछ लिया, किस तरह से एक क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ ओल्ड पेपर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक है इसमें, हाँ ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा हुआ है कि जो कंप्यूटर मेमोरी टाइप है उसको हाईएस्ट टू लोवेस्ट डिफाइन करना है। सबसे पहले उनकी जो स्पीड है ना, सबसे ज़्यादा स्पीड किसके, फिर कम किसके, फिर किसके, फिर किसके, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है सी दोस्तों 3। सबसे पहले आएगा CPU, रजिस्टर जो होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद में कैचे मेमोरी की ज़्यादा होती है, उसके बाद में मेन मेमोरी की यानी कि रैम की ज़्यादा होती है, और उसके बाद में हमारी सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड है वो होती है। तो ये आप जो सीरीज़ है वो ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और आगे देखते दोस्तों, आगे हमारे पास ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। और अब देखिए ये दोस्तों, ये हमारा नवंबर 2017 के अंदर क्वेश्चन आया है, डेटा भंडारण के अधिग्रहण में शामिल है, यानी कि जो हमारी मेमोरी साइज़ है वो हमें बताना है। अब ये देखिए मेमोरी साइज़ भी दो तरह के होते हैं, वो मैं आपको एक और क्वेश्चन आया वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इन्होंने ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आंसर है बिट, बाइट्स, फील्ड रिकॉर्ड फाइल और डेटाबेस, ये इसका आंसर आएगा दोस्तों। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे को उम्मीद है इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक से दो क्वेश्चन आएंगे जो मैं ये आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले बिट्स आता है, फिर बाइट्स आता है, फिर फील्ड आता है, फिर रिकॉर्ड आता है, फिर फाइल आता है, फिर डेटाबेस आता है। और छोटी सी ट्रिक आप याद कर सकते हैं, जैसे कि FF के बीच में R आएगा, यानी कि फील्ड और फाइल के बीच में रिकॉर्ड आएगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि हमें दो स्टार्टिंग की दो चीज़ें तो याद रह जाती है, बिट्स और बाइट्स तो आएगा ये तो हमें पता है, लेकिन रिकॉर्ड में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई रिकॉर्ड आएगा पहले या फील्ड आएगा पहले। तो इस तरीके से छोटा छोटा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर। और आगे देखते दोस्तों, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए ये हमारा है। हाँ ये दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करीब 2 से 3 बार पहले आ चुका है। यूएसवी की फुल फॉर्म बतानी है तो इसका बिल्कुल आसान है, इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका आंसर होता है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है बाद में किस तरीके से आया है। ये है हमारा नवंबर 2017 में आया है और आगे भी ये रिपीट हुआ है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें देखिए ये इन्होंने फिर पूछ रहे हैं 1 बिलियन करेक्टर प्रदर्शित करता है। और 1 बिलियन का मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, अगर आपको ध्यान में हो तो 1 बिलियन इज़ इक्वल टू किसके होता है, 1 GB के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको पीछे बताई थी। तो ये होता है दोस्तों 1 GB, यानी कि 1 GB के इक्वल टू होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और एक दोस्तों ये चीज़ तो मैंने आपको करवाई थी कि जो हमारी डेफिनेशन है दोस्तों वो आप ज़रूर करना, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत 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 ज़्यादा संभावना है। डेफिनेशन 2016 से लेकर 2019 तक हर बार इसमें से क्वेश्चन आया है, तो ये आप ज़रूर करना। और आप चाहे तो हमारी ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, आपको जो पूरी प्ले लिस्ट है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके बाद में ये देखिए दोस्तों, ये आ गया यूनिवर्सल सीरियल बस, मैं बात कर रहा था ना कि यूएसवी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखिए ये हमारा आ गया जुलाई 2018 में आ गया, और पहले नवंबर 2017 में क्वेश्चन था। तो वही चीज़ है दोस्तों, हम इस वीडियो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। और अब देखिए ये जुलाई 2018 में एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया, जो भंडारण क्षमता होती है, जो मेमोरी साइज़ होता है वो इन्होंने पूछ लिया। और यहाँ पे जो मेमोरी टाइप है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है, जो KB MB TB जो होता है वो है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये हमारी आम लाइफ में हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारा बिट आता है, और उसके बाद आता है हमारा बाइट आता है, और उसके बाद फिर आता है किलोबाइट यानी कि KB आता है, और फिर MB मेगाबाइट आता है, और फिर GB गीगाबाइट आता है, और फिर हमारा टेराबाइट आता है दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास कौन सा, हाँ दोस्तों एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, हमारा रैम और जो रोम है उसमें से क्वेश्चन आता है। ये देखिए दोस्तों, रैम और जो रोम में से क्वेश्चन आया है, और रैम एंड रोम के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, पूरा चार्ट बताया है कि रैम और रोम के अंदर क्या डिफरेंस है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आंसर नंबर 2 है वो ठीक है, केवल क्यू ठीक है। क्यू क्या है कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, और जो रोम है वो वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। तो रैम और रोम के बारे में भी आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, हाँ आगे ये देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास BCC और CCC, इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है CCC और BCC क्या होता है। इसमें से करीब आज तक 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये हमारा है शायद जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो ताज़ा ही है, ताज़ा ही कह सकते हैं इसको हम। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा, हाँ ये देखिए दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें इन्होंने लैन वैन मैन के बारे में पूछ लिया। ये क्वेश्चन भी हमारा 2 से 3 बार आया है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि लैन जो होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होती है, मैन होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए होती है, और वैन होती है वाइल्ड एरिया नेटवर्क के लिए होती है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, ये करीब 2 से 3 बार पहले क्वेश्चन आ चुका है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इसमें से जो दोस्त है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि क्या गलत है और क्या सही है। अब देखिए इन्होंने इसका आंसर दिया है, आंसर ए क्यू एंड आर ओनली। अब क्यू एंड आर देख लेते हैं, क्यू है हमारा ये DVD R, कैन वी रिटर्न टू ओनली वंस। DVD R, R का मतलब होता है दोस्तों
रीडेबल होता है, तो इसको केवल हम एक बार ही रिटर्न कर सकते, एक बार ही इसमें कुछ डेटा वो लिख सकते हैं जहाँ पे सिंगल आ रहा है। और इसके आर के अंदर इन्होंने दिया कि डीवीडी आर डब्ल्यू, इसका मतलब ये होता है दोस्तों जो डीवीडी होते हैं उसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसको काफ़ी बार हम राइट कर सकते हैं यानी कि रिटर्न कर सकते हैं, उसमें काफ़ी बार लिख सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों ये देखिए, ये हमारा USB से दोबारा फिर आ गया दोस्तों। तो आपने अभी देखा कि 3 बार USB से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। तो ये चीज़ें सभी आपको ध्यान में होनी चाहिए। USB हो गया, LCD हो गया, GUI हो गया और 1 GB हो गया। और इसमें से आगे भी क्वेश्चन आया है, मैं दिखाऊंगा। 19 में आया है, जून 2019 में इसमें से क्वेश्चन आया है। अब देखिए ये हमारा 2018 ही चल रहा है और इसके अंदर ये देखिए, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक स्मॉल टेक्स्ट टू स्टोर ऑन यूज़र कंप्यूटर बाय सम वेबसाइट। अब देखिए हम कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें से कुछ डेटा हमारा स्टोर हो जाता है हमारे ब्राउज़र में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों कुकीज़, उसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान में होना ज़रूरी है। और उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद जैसे कि ये देखिए आप एक बार फिर देख सकते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में से एक बार फिर क्वेश्चन आ गया, तो डेफिनेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में जैसे जो वायरस है, वायरस के बारे में भी मैंने आपको वीडियो करवाई हुई है, वो वीडियो देख लेना। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कुछ और इम्पोर्टेंट है तो इसमें से, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फिर से आ गया ये क्वेश्चन उसी टाइप का जो हमने किया था। अब देखिए इन्होंने दोबारा फिर 1 GB के बारे में पूछ लिया, तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में होना ज़रूरी है। और अब ये देखिए स्टोरेज डिवाइस के बारे में एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों। स्टोरेज डिवाइस में से अभी तक 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं, 2016 से लेके 2019 तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। तो यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस दिए वो CD, DVD, ब्लूरे के बारे में दिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले CD-ROM आएगा, फिर DVD-ROM आएगा और फिर ब्लूरे आएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि जो हमारी मेमोरी साइज़ है, मेमोरी साइज़ का जो क्रम है वो लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे और कुछ नहीं किए थे जिनके बारे में। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।